घंटे का दिन भी पढ़ा है हमने। आज की क्लास कैसी लगी आपको? देव सर का नॉलेज कैसा है? है ना, आज कितने लोगों ने 4G सीपी लगाया? सीपी लगा के डन करो, एक बार हाथ उठा के डन करो। कैसा लग रहा है आपको फील? बहुत बढ़िया। इसके पहले आप लगा पा रहे थे क्या? नहीं सर। सबसे पहले आपने रिबोलिंग किया, रिबोलिंग के बाद आपने पावर लगाया, पावर के बाद आज आपने 4G सीपीयू लगाया। इसके लिए इसके ऊपर कुछ है क्या बताओ मेरे को? आईसी लेवल हमारा पूरा डन हुआ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के बारे में आप? नंबर वन स्टेशन है, कोई अगर आना चाहे तो हाल ग्रुप में बोलो। मोस्ट वेलकम है सर, काफी आ सकता है, काफी अच्छा सिखाया जाता है। थोड़ा सा आप बोलिए। थ्री इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आप बोलिए। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट। आपने जो पहले दिन से आए थे और आज आज का दिन है, मतलब आज पांचवा दिन है, पांचवे दिन में पहला दिन और पांचवे दिन में क्या फर्क है बताइए? बहुत फर्क है सर। आप बताइए। मैं तो पहले मोबाइल ठीक तरह से खोल भी नहीं सकता था, अभी मेरे लाइफ मोबाइल से सीपीयू निकाल के फिर बिठा दिया, फिर ऑन कर दिया। सौरभ आप बोलिए। यहाँ ट्रेनिंग का तरीका है बहुत अच्छा है सर। मतलब कोई टिपिकल तरीका तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई चाइनीज लैंग्वेज में तो नहीं सिखाते ना यहाँ पे? ठीक है, आप बोलिए। सर मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर लेता था लेकिन मैंने आज तक आईसी पे हीट भी नहीं मारी थी, आज हमारा पांचवा दिन है, मैंने सीपीयू पावर आईसी और ईएमएमसी निकाल के 100% सेफ लगा। सजाद आप बताइए। सर बहुत बढ़िया सिखाने का तरीका है सर। आप बताइए। सर यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छी तरीके से सिखाते हैं। आप बोलिए। सर मेरे से सर कैयल पकड़ते भी नहीं आती थी पर अब अच्छे से आने लगा, बॉलिंग कर लेता हूँ मैं परफेक्टली। सजाद आप बोलिए। सर मैं तो आईसी का तो काम कर भी नहीं पाता था सर, यहाँ आने के बाद सर आईसी को किस तरह से बनाना वो बनाना 4-5 दिन में सीख गया। नीरज बोलिए। यहाँ अच्छे से कंपोनेंट का नॉलेज मिला, प्रॉपर वे में कैसे फॉल्ट बाइंडिंग वगैरह सब कंपोनेंट्स का नॉलेज अच्छा मिला। 5 दिन की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलेगा एक मिनट, ये क्या बनाया आपने बताइए? डिस्प्ले सर्किट, देखो ये आपने छापा तो नहीं है ना, समझ के बनाया ना? यहाँ पर एक एक लाइन समझिए कि नहीं समझिए, कहाँ पर वोल्टेज आते हैं +5 -5 या कहाँ पर 1.8 VI हो या दुनिया भर के जो सप्लाई है। ठीक भाई, थैंक यू। तो इस फोन में हमारे को क्या वोल्ट आ रहा बताओ? लाइट नहीं आ रही है। तुम्हारा फोन है? हाँ, तो हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है, तो बताओ सबसे पहले क्या चेक करें, क्या सप्लाई चेक करें? सबसे पहले क्या चेक करें? एम्पियर चेक कर लेते हैं। लगाओ एम्पियर, सबसे पहले एम्पियर चेक करेंगे। यहाँ पर आओ यार, पकड़ो उसको, दिखाओ, आ जाओ तुम इस साइड हो। ये देखो ये 0.60 एम्पियर पर चला गया है। अच्छा, तो लाइट ही यार, उसको चेक कर। देखो तो हमारे पास एक फोन है, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट का फोन है। ये आपका फोन है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब चार्जर लगाइए और दिखाइए लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर लाइट देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए 0.60 चला गया है, उसके ऊपर भी देखेंगे। और यहाँ पर देखिए लाइट नहीं आ रहा है, थोड़ा चार्ज रखिए। यहाँ पर देखो 1.10 मोबाइल चार्जर, मतलब लाइट पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो चल रहा है वो लाइट सेक्शन चल रहा है, दिखा दो यहाँ पर, ये बोर्ड में हमारा लाइट सेक्शन चल रहा है। ठीक है, सर्किट बना सकते हाथ खड़े करके बताओ, बना ले सर्किट 2 भी बनाएंगे। चलो देखो, आप सबसे पहले हम यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे कितने वोल्ट चेक कर ले? 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? चेक करो यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मल्टीमीटर लो। हाँ, सबसे पहले हमेशा यहाँ करना बैटरी कनेक्टर पर, सॉरी डिस्प्ले कनेक्टर पर 4 वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, ग्राउंड करो। ये लो, ठीक है, करते जाओ। बिल्कुल ड्रॉप से चुप चुप का निकल रहा है। ठीक है, घुमाते जाओ, देखो 1.8 देखते जाओ, 4 चाहिए हमको। यहाँ पर आगे बढ़ाइए, बढ़ाते जाओ, 4 4.9
कोने ये पांच वोल्टेज है, ये प्लस फाइव वाला वोल्टेज है, कौन सा है? हमको चार चाहिए, पांच नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, ये सर्किट चालू है जो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ये 1.8 और आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। हमको चार चाहिए, पांच वोल्टेज नहीं चाहिए, पांच हमारा ग्राफिक्स का वोल्टेज, ठीक है, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये चार वोल्टेज आ गए, मतलब इसका लिए लाइन तो प्रो टू क्या क्या ओके बताओ, डायोड बूस्ट कॉइल और रजिस्टर, क्या है इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, बीपीएच लाइन सही है, डायोड सही है, बूस्ट कॉइल सही है, सब सही है। अब इस फोन में हम ईएन सिग्नल देखेंगे, क्या देखेंगे? हाँ भैया, अगर तुम्हारा एक लाइन सही है तो सिर्फ दूसरा लाइन चेक करो, अब फोन को ऑन करो और क्या देखो, ईएन सिग्नल। तो अब हेड हटाओ, अब वापस चार्जर निकालो और वापस चार्जर लगाओ ताकि ये फोन फिर से डिस्प्ले आ। अब यहाँ पर इस आईसी पर ईएन सिग्नल कौन से नंबर के पैड पे आएगा बताइए, पिन पर आएगा, कौन से पिन पर आएगा? पांच, एक दो तीन चार पांच। तो यहाँ पर रजिस्टर भी लगा है, तो यहाँ पर देखो कोई वोल्टेज बन रहा है क्या, ध्यान से देखो, लगाओ बीच में, देखो वोल्टेज बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहां तक कोई जीरो है, ये रजिस्टर पे लगाओ, रजिस्टर पे लगाओ, रजिस्टर पे भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखो बूस्ट का, यहाँ पे डायोड के कैपेसिटर पे चार वोल्टेज, कोई बूस्ट हो ही नहीं रहा, ये नहीं आ रहा है, तो कोई बूस्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टच के पास देखेंगे कि हमको 2.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये टच की सप्लाई है जो इसको एक्टिव रखती है। यहाँ पे देखो वोल्टेज कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी सप्लाई आगे बताएंगे। यहाँ पे देखो 2.8 मिल रहा है। हम यहाँ से एक जम्पर उठाएंगे और एक जम्पर उठाकर हम यहाँ पर लगा देंगे रजिस्टर पर, और देखेंगे कि हमको फिर बूस्ट बन रहा है कि नहीं। करो हटाओ बैटरी, बैटरी हमारी जम्पर, तो आप इतना डालेंगे।
इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?